अगर बिहार क्रिकेट की बात करें तो सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी का नाम जुआ पर आता है। बिहार की अद्भुत क्रिकेट प्रतियोगिता जिसे देखने के लिए लोग हुए मजबूर। माँ दुर्गा क्रिकेट कप भंडार बन के बैनर तले खेले जा रहे क्रिकेट प्रतियोगिता के मैच में कबीरपुर बनाम चौहान क्रिकेट क्लब भंडार बन के बीच खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर कबीरपुर के कप्तान ने पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी चौहान क्रिकेट क्लब भंडार बन की टीम ने निर्धारित 14 ओवर के गेम में 6 विकेट खोकर 204 रनों का स्कोर खड़ा किया। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी कबीरपुर की टीम ने निर्धारित 14 ओवर के खेल में 7 विकेट खोकर महज 146 रन ही बना पाई। इस जीत के हीरो रहे चौहान क्रिकेट क्लब के धाकड़ बल्लेबाज सुमित, जिन्होंने की 76 रनों की तूफानी पारी खेली। इस वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। मैच में अंपायर की भूमिका संदीप व गुंजन ने उम्दा अंपायरिंग की, वहीं स्कोरर के रूप में अमन शशिकांत ने शानदार स्कोरिंग की, जबकि कमेंटेटर की भूमिका जिला स्तरीय शंकर सुमन व नीरज सिंह, इनके साथ लक्ष्मण सिंह ने रोचक कमेंट्री की और दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। वहीं हिंदुस्तान न्यूज 24 के संवाददाता से बात करते हुए टूर्नामेंट के कोषाध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि इस तरह के क्रिकेट आयोजन से बिहार क्रिकेट को बढ़ावा मिलता है। इस तरह से चौहान क्रिकेट क्लब भंडार वन की टीम ने 58 रनों से मैच में शानदार जीत दर्ज की और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गई। इस जीत के हीरो रहे